60 लीटर्स ऑफ वाटर है। ये चीप क्वालिटी का यहाँ पे वीगन लेदर। 3, 2, 1 The IQ Neo 9 Pro, चीपेस्ट फ्लैगशिप इयरफोन जिसमें आपको 8 Gen 2 CPU मिलता है। कमाल के स्पेक्स हैं। बट ऐसे नहीं गाइस, जब भी किसी फ़ोन में स्पेक्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं और प्राइस कंसिडरेबली लो किया जाता है, ओनली प्लेस जहाँ पे कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है हिडन कॉस्ट कटिंग, वो होता है फ़ोन के कंस्ट्रक्शन में, बिल्ड पैटर्न में। दैट्स व्हाई हम ऐसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट इन केस आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं ऐसे फ़ोन में, आप अपने फ़ोन को किस तरीके से यूज़ करने करते हैं ताकि आपका फ़ोन लंबे समय तक चले और इसे कोई फ़र्क ना पड़े। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपेयर टू द लास्ट ईयर, IQ Neo 7 Pro डिज़ाइन में थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, वो भी स्पेशली जस्ट कैमरे के लेआउट में। अदरवाइज वीगन लेदर ग्लास तो लास्ट ईयर था, इस साल भी है। Neo 7 Pro ओवरऑल काफ़ी सॉलिड फोन था, बोथ इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी में एंड ऑल्सो ऑन दी ड्रॉप टेस्ट में। तो मैंने इसको कम्प्लीट रिपेयर कराया, दैट्स व्हाई आपको ये फ्रेश कंडीशन में दिख रहा है। लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या कहानी है। एंड गाइस, ये रहा फ़ोन परफेक्टली वर्किंग पिस्टिन ऑर्डर में, काफ़ी हमने इसके साथ कंपैरिजन किया है। लेट्स डू द ड्यूरेबिलिटी, देन आफ्टर दैट ड्रॉप टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। एट द फर्स्ट हम यहाँ पे इसको इस लिक्विड कंटेनर में ड्रॉप करते हैं। इन 3, 2, 1 जस्ट लाइक ऑलवेज यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 60 लीटर्स ऑफ वाटर है। प्रेशर मैं बढ़ाता रहता हूँ, बट चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा हाई लेवल क्लेम नहीं किया गया, जस्ट ये स्प्लैश प्रूफ फोन ही है, वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन आप कह सकते हैं। एज यूजुअल 5 मिनट का वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। टाइम्स अप गाइज, लेट्स सी कहानी कहाँ तक पहुँची। 5 मिनट्स से ज़्यादा हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया। ओके, ऐसा तो कुछ यहाँ पर कुछ फील नहीं हो रहा अभी, सारी चीज़ें प्रॉपरली ओके लग रही हैं, बट हू नोस, यू नो दैट लिक्विड डैमेज होने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। फ़ोन भी क्लीन हो गया है, लेट्स टेक द सिम ट्रे आउट, क्या फ़ोन के इनसाइड में लिक्विड है कि नहीं है। जस्ट फॉर द वाटर टेस्ट ये मैंने कलर कर रखा है यहाँ पर। सिम ट्रे तो ऑलमोस्ट ड्राई है, लेट्स चेक इट। स्टिल कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसे ऑफिशियल वाटरप्रूफिंग प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ पे कंप्लीट आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा, मेटल के बटन मिलने चाहिए एंड ऑफकोर्स ये वीगन लेदर है। इसके प्रोस एंड कॉन्स आपने पहले बहुत बार देखे हुए हैं, लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे जो वीगन लेदर है वो कैसा बनाया गया है। ऑफकोर्स अगर आप ग्लास पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे डिफरेंट मटेरियल मिल जाएगा। लेट्स कट इट फाइनली। वन ड्रॉबैक, यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, और एक बार स्क्रैचेस लग गए तो ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऑफकोर्स बाहर सा आने लगता है। क्वालिटी ऑफ वीगन लेदर यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ लग रही है बिकॉज बहुत ही थिन लेयर यहाँ पे दिया गया है। यूजली जैसे हमने अदर फोन टेस्ट किया था, लाइक मोटो H40 Neo टेस्ट किया था, उसमें वीगन लेदर काफ़ी थिक था जो ईजली बाहर नहीं आता। जितना ये लाइटर होगा उतनी आसानी से ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये आपको डिज़ाइन दिख रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये दो लेदर को ऐसे सिल के बनाया गया है, एक्चुअली में ये एक सिंगल है, जस्ट यहाँ पर ये कॉस्मेटिक डिज़ाइन है। अबाउट दी IQ ब्रांडिंग, ये बाहर से ऑफकोर्स फिक्स की गई है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा बिकॉज यहाँ पे बैटरी होती है। यहाँ पे भी छोटा सा आपको नियो की ब्रांडिंग दिखाई पड़ेगी, वो भी इस पर प्रिंट की गई है। हाउ अबाउट अ क्विक बर्न टेस्ट, कि वीगन लेदर कितना सॉलिड है व्हेन इट कम्स टू द एक्सट्रीम फायर। देखा आपने, इसमें जो वीगन लेदर वो कितनी चीप क्वालिटी का है, हल्का सा हीट करते ही ये पूरा बाहर सा जा रहा है, इनसाइड से भी कम्प्लीटली रेड कलर का है। तो ये निकलने के बाद पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर वीगन लेदर लगा हुआ है। तो दैट्स व्हाई यू सी ये कितना चीप क्वालिटी का वीगन लेदर है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली हार्डवेयर में ज़्यादा होते हैं। रिमेंबर Neo 7 Pro में ऐसा कोई खेल नहीं था। अगर मैं थोड़ा सा फिर से इस कैमरे के साइड से इसको हीट करूँ,
तो शायद ये वाइट वाला भी बाहर निकला है। मुझे गाइस जस्ट 2 मिनट लगे और मैंने इस फोन को कंप्लीट रेड बना दिया। वैसे काफ़ी कूल लग रहा है ये पूरा रेड फ़ोन, एकदम रेड फ्रेम, रेड ये। ओके सो अगर आप ये लेदर एडिशन पे जाते हैं तो आपको सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर है आप ग्लास वाले बैग पे ही जाइएगा इन केस आप इस फ़ोन पे जाते हैं तो। एंड एट द लास्ट ये रही IQ की ब्रांडिंग, जो यहाँ पे ब्लैक कलर से इस ब्लैक पेंट लगा के फिक्स की गई थी। मूविंग फर्दर गाइज, लेट्स टॉक अबाउट दीज फ्रेम्स। ऑफकोर्स कंप्लीट प्लास्टिक, फ्रेम की क्वालिटी भी काफ़ी लो क्वालिटी की लग रही है। ये जो पेंट है बहुत ही आसानी से बाहर निकल जा रहा है। ऑन द टॉप ऑफकोर्स यहाँ पे आपको आया ब्लास्टर मिल रहा है, गेमिंग फोन बट नो हेडफोन जैक, बॉटम में स्पीकर्स हैं एंड ऑल्सो ऑन द टॉप। स्पीकर क्वालिटी वैसे काफ़ी अच्छी है इस फोन की। अबाउट दी बटन्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेटल के हैं एंड ये आसानी से बाहर भी आ जा रहे हैं, और ये ऑलरेडी टूट भी चुका है एंड आई थिंक ये शायद अब वर्क भी ना करे। लेट्स ट्राई टू फिट इट, शायद वर्क कर जाए। बटन्स फिक्स हो गए हैं, वॉल्यूम बटन तो प्रॉपरली काम कर रहा है, बट सीम्स लाइक जो ये पावर बटन है वो बहुत हार्ड सा हो गया है, सो कीप दैट इन माइंड। अबाउट दोज डिफरेंट कैमराज, वैसे उसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, मेन सेंसर का काफ़ी सही काम कर रहा है। जो फर्स्ट लेयर है कैमरे की, जो ग्लास के अराउंड ब्लैक कलर से, वो मेटल का है और उस पर पेंट जॉब है। बीनीथ उसके ऑफकोर्स यहाँ पे स्टेनलेस स्टील ही होना चाहिए, मे बी इट्स एल्युमिनियम नॉट स्टेनलेस स्टील बिकॉज काफ़ी ईजली वो स्क्रैच हो जा रहा है, बट स्टिल इट्स ए मेटल, दैट्स अ गुड पार्ट। यहाँ पे प्लास्टिक भी हैं और ये छोटे से रेड कलर के छोटे छोटे बने हुए हैं, आई बिलीव ये भी मेटल के हैं और इस पर भी रेड कलर का एक पेंट जॉब है। लेट्स टॉक अबाउट दी ग्लास क्वालिटी। इस फोन में आई एम नॉट श्योर कौन सा ग्लास ऑपरेशन यूज़ किया, अगर मुझे पता चलेगा ऑफकोर्स मैं आपको बता दूंगा, बट अगर स्क्रैच के पैटर्न देखें तो वो उतना बेटर नहीं है जितना कि होना चाहिए। लेवल 4 पे यहाँ पे आसानी से स्क्रैच पड़ जा रहे हैं, लेवल 5 पे भी स्क्रैचेस हैं, 6 पे भी हैं एंड 7 पे भी स्क्रैच पड़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दी कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि इवन स्टेनलेस स्टील लाइक कार कीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो आप कैरी करते हैं अपने पॉकेट में, उससे इस डिस्प्ले पर आसानी से स्क्रैच लग सकता है। ऑन दी बैक साइड जहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग है बिकॉज जनरली अगर डिस्प्ले साइड पे स्क्रैच लग भी जाता है लेकिन जो कैमरे मॉड्यूल होते हैं उसका प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने लेवल 5 से स्क्रैच किया तो वहाँ पे आसानी से स्क्रैच दिख रहे हैं, 6 पे भी स्क्रैचेस हैं और 7 पे स्क्रैच पड़ते चले आ रहे हैं। तो अगेन अभी कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई पड़ रहा है डिस्प्ले साइड में। जनरली IQ के डिस्प्ले पहले भी ऐसे थे, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई पड़ता था। डू यूज़ गुड स्क्रीन प्रिंटर एंड द टेम्पर ग्लास। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, बैक पैनल तो हीट एंड फायर के गेस में उतना बेटर रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। लेट्स ट्राई इस 144Hz LTPO डिस्प्ले में क्या कमाल है। नंबर्स के टर्म में तो काफ़ी स्ट्रेट है, बट हाउ अबाउट इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट। अराउंड 12 सेकेंड लगे यहाँ पे पिक्सल्स को बर्न होने में एंड यप, दिस इज अ कंप्लीट बर्न मार्क जस्ट लाइक द गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर द बेन टेस्ट, लेट्स सी IQ Neo 9 Pro कैसा परफॉर्म करता है। वैसे बाय द वे जब इस पैनल की ना इस फोन की खाल उतार रहे थे तो ऑलरेडी आप देखोगे यहाँ पे ये बैक पैनल लूज सा हो गया है, ग्लू बहुत ही लूज है, ईजिली इस बैक पैनल खुल सा जा रहा है। लेट्स सी बेंड टर्म में ये कैसे निकल के आता है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ्लेक्स तो काफ़ी आया फोन है, बट समहाउ लगता है जो इनसाइड की चेसिस है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, दैट्स वाई फोन को ऐसा इमीडिएट फ्रैक्चर या ब्रेक नहीं हुआ और फोन थोड़ा सा स्लाइटली थिक है, दैट्स वाई इस पॉइंट से भी ये थोड़ा सा बचा गया। लेट्स ट्राई विद द 8 फिंगर,
फिर भी इस पोर्शन से हल्का सा फोन ज़्यादा सा बेंड सा हो रहा है। नेवर माइंड, लेट्स ट्राई विद द बैक साइड इन 3, 2, 1। देखा ये बैक पैनल किस तरीके से खुल रहा है। फिर भी फोन स्लाइटली फ्रेजाइल है। सो इन द समरी में सी कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज़्यादा फोन में दिखाई पड़ रहा है बिकॉज हार्डवेयर इतना पावरफुल दिया गया है तो कहीं ना कहीं तो कट शॉर्ट होगा ही। जैसे कि डिस्प्ले में मेजर कॉम्प्रोमाइज़ है, बैक पैनल में सीरियसली सुपर कॉम्प्रोमाइज। नियो 7 प्रो का बैक पैनल से लॉट बेटर था। जितने भी हमने वीकेंड इधर टेस्ट किए आज तक कोई भी फ़ोन इतना पैथेटिकली नहीं काम किया। लाइक पेपर छोटा सा जैसे लगा दिया गया है, बाहर सा आ जा रहा है। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट। लेट मी नो अगर आपको ये टेस्ट देखना है और कौन कौन से फोन आपको देखने के साथ हम इसका ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज सौरभ एंड सी यू वेरी सून।